हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मसालेदार पुलाव शेयर कर रही हूँ मुंबई स्टाइल में। बहुत ही इजी रेसिपी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। मसाला पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ नॉर्मल जो राइस रहते हैं वही राइस लिए हैं। आप बासमती राइस भी ले सकते हैं। राइस को आप 15 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिए पानी में, उसके बाद छान के साफ पानी डाल लीजिए। अब राइस को हम बॉईल कर लेंगे और फिर से छान लेंगे। मैं इसे गैस पर रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। हम मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच तेल। तेल के साथ डालूंगी मैं बटर। बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 से 3 चम्मच बटर, इसे हम गरम कर लेते हैं। बटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें डालेंगे जीरा। जीरा को पिड़कने देंगे। जीरा पिड़क गया है। एक बड़ा टुकड़ा अदरक का मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्ची, इसे भी बारीक काट लिया है। इसे डाल देंगे। प्याज लिए मैंने, इसे भी चॉप कर लिया है। 2 प्याज लिए मैंने यहाँ, इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। प्याज हमारा भुनना शुरू हो गया है। इसमें मैं एक बड़ा आलू डाल रही हूँ बारीक चॉप करके। आलू को हम बारीक काट के डालेंगे ताकि जल्दी पक जाए। इसे भी हमें अच्छे से गलाना है। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 शिमला मिर्च लिए मैंने मीडियम साइज की। ये अच्छे से भुनना शुरू हो गया है मसाला, देख सकते हैं पकना शुरू हो गया है ये। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी मटर। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, गाजर भी ले सकते हैं। इसमें बारीक काट के डाल सकते हैं गाजर, बीन्स। इसमें मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी पक जाए, और हल्दी डाल रही हूँ थोड़ी, थोड़ा नमक, आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ताकि ये अच्छे से पक जाए। आलू और मटर अच्छे से निकल जाए। राइस हमारे पक गए हैं। इसे मैंने बड़ी थाली में या ट्रे में, आप किसी भी चीज़ में इसे फैला सकते हैं। इसे खुला फैला दें ताकि ये ज़्यादा गले नहीं, बिल्कुल जो प्रॉपर गले हुए हैं वैसे ही रहें, टूटे नहीं, इसलिए मैंने इसमें फैला दिया। और 1 चम्मच ऑयल डाल के हम इसे मिला के छोड़ देंगे ताकि इसकी भाप निकल जाए और ये बिल्कुल खुले खुले रहें। घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं आप। मैं घी डाल रही हूँ हल्का सा। इसमें बहुत भाप है अभी, इसे ठंडा होने देते हैं। ध्यान रहे राइस को पहले आप फैला दें खुले बर्तन में। देखिए सब्जियां हमारी लगभग गल गई है। इसमें डालेंगे 3 टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी हमें ज़्यादा डालनी है, इसीलिए हमें अच्छे से गला लेना है टमाटर को। आलू अभी हल्के हल्के कच्चे हैं, इसे गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा धनिया पाउडर 1 चम्मच से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसे ढककर पका सकते हैं। एक चम्मच डालेंगे हम इसमें पाव भाजी मसाला। 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला, बाकी हम बाद में भी डालेंगे। पहले हम इसे पका लेते हैं सब्जियों को। थोड़ी पत्तियां डालेंगे फ्रेश पुदीना काट के, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। थोड़ा धनिया बारीक चॉप किया हुआ,
तरह से हम मैश कर लेंगे इसे। एक चम्मच कसूरी मेथी खुशबू के लिए, देखिए सब्जी बहुत ही अच्छी बन रही है, मसालेदार। इसमें डालेंगे थोड़ी काली मिर्ची पाउडर, स्पाइसी आप जितना खाते हैं उतना ही डालें, लाल मिर्ची काली मिर्ची थोड़ा डालेंगे हम। इसमें टमाटो सॉस, इसमें टमाटो का ही फ्लेवर ज़्यादा डालना है हमें, दो चम्मच में यहाँ डाल रही हूँ टमाटो सॉस। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इस तरह से हम दबाते हुए मिक्स करेंगे। टमाटो अच्छे से गल जाने चाहिए हमारे। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें बचा हुआ नमक। राइस के हिसाब से हम नमक डाल देंगे, जितने हमारे राइस है उसी हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। और साथ में फ्रेश करेंगे हम इसमें पाव भाजी मसाला, एक चम्मच ऊपर से डाल के मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल। अब इसमें डालेंगे हम राइस, जो हमने राइस बॉईल करके रखे हैं थोड़े थोड़े करके डालेंगे और मिला लेंगे। एक साथ डालेंगे तो मसाला नहीं मिलेगा, इसलिए हम थोड़े थोड़े करके डाल लेते हैं और मिला लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, आप नीचे उतार के भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं इसे। पुलाव को मैंने एक बॉक्स में डाल लिया है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए फ्रेश पुदीना, बारीक चॉप हरा धनिया, हमारे पुलाव बनकर रेडी है। बहुत ही मसालेदार चटपटे पुलाव हैं ये। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।